पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र लीक मामले में आए दिन नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि कुशीनगर के एक कोचिंग सेंटर और वहीं के एक महाविद्यालय की मिलीभगत से यह प्रश्न पत्र लीक हुआ था, जिसमें कुशीनगर के एक कोचिंग सेंटर के प्रबंधन और कुशीनगर के ही एक महाविद्यालय के प्रबंधक की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले बच्चों को सोशल मीडिया के माध्यम से परीक्षा के पूर्व प्रश्न पत्र दिए गए थे, जिसके बाद यह पर्चा सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुआ था। आपको बताते चलें कि इस मामले में शुक्रवार को एसटीएफ की एक टीम गोरखपुर विश्वविद्यालय पहुंची थी, जहां टीम ने करीब 3 घंटे तक छानबीन कर गोपनीय सेक्शन के अफसर और कर्मचारियों से लंबी पूछताछ की, जिसके बाद प्रश्न पत्र और उनसे जुड़े बंडलों की भी छानबीन की गई। इस दौरान टीम ने तमाम दस्तावेज भी सबूत के रूप में जब्त किए हैं। एसटीएफ की टीम ने प्रश्न पत्र के बंडलों से फिंगरप्रिंट के नमूने भी लिए हैं। नमूनों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जा चुका है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। बताते चलें कि एसटीएफ टीम ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के अतिरिक्त देवरिया और कुशीनगर में भी ताबड़तोड़ दबिश दी है। चर्चा के मुताबिक पर्चा लीक मामले में जल्द ही कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं।